नमस्कार। आज का हमारा पाठ है काले मीठा पानी दे। यह पाठ लिखा है धर्मवीर भारती ने। इसमें मुख्य रूप से इंद्रसेना का वर्णन किया गया है। इंद्रसेना गांव के उन किशोरों को कहा गया है जो भगवान इंद्र से वर्षा मांगने के लिए गली गली में घूमकर लोगों से पानी मांगते थे। वे लोगों से मिले एकाध घड़ा पानी से नहाते थे, उछलते कूदते और कीचड़ से लथपथ हो जाते थे और फिर सामूहिक रूप से यह कहकर पुकारते थे कि काली मेघा पानी दे। सबसे पहले लेखक भयंकर गर्मी का वर्णन करता है और आषाढ़ की उस गर्मी में लोग बहुत कम वर्षा के कारण परेशान हो उठते थे। बादलों के बिना सूरज आग बरसाने लगता था, सभी कुओं में पानी खत्म हो जाता था। जो पानी आता भी था तो वह बहुत गर्म होता था। खेतों की मिट्टी पानी के अभाव में पत्थर जैसी कठोर हो जाती थी। लोग लू के मारे बेहोश हो जाते थे, पशु तक मरने को हो जाते थे। गर्मियों में गांवों की दुर्दशा शहरों की तुलना में अधिक होती थी। मिट्टी जुताई के भाव में सूखकर बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाती है, तो गांव के लोग बारिश के लिए भगवान इंद्र से प्रार्थना किया करते हैं, कहीं कहीं कथा कीर्तन भी रखा करते हैं। जब ये उपाय भी सफल नहीं हो पाते थे तो इंद्र को खुश करने के लिए एक इंद्र सेना निकल पड़ती थी। यह सेना पानी और कीचड़ से लथपथ होकर के भगवान इंद्र से वर्षा की गुहार लगाती थी। लेकिन लेखक को यह समझ नहीं आता था कि जब लोगों के घरों में पानी की इतनी कमी है, लोग बिना वर्षा के मरते जा रहे हैं, तो फिर इस सभा पर एक एक घड़ा पानी फेंक कर क्यों वो जो पानी मिला है उसे भी नष्ट कर रहे हैं। और वह कहता है कि इस तंगी के चलते इन बच्चों पर पानी डाल करके पानी को नष्ट करना बहुत ही बर्बादी है। लेखक इंद्र सेना के विरोध में तर्क देता है कि यदि यह सेना भगवान इंद्र से सबको पानी दिला सकती है तो अपने लिए भी पानी उन्हीं से मांग ले। यह बाल सेना लोगों से पानी क्यों मांगती है? लेखक भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गाँव की किशोर मंडली पर घड़ा भर करके पानी डालना पसंद नहीं करता है और इसे गांव वालों की नासमझी और अंधविश्वास मानता है। लेखक अपने देश की गुलामी और अवनति का कारण भी इसी अंधविश्वास को मानता है। जीजी जो हैं लेखक की माता जी हैं और वो इंद्र सेना के पक्ष में तर्क देती हैं और कहती है कि यह अंधविश्वास नहीं है, यह तो बादलों को अर्घ्य चढ़ाया जाता है और बादलों को दान करते हैं, दान करने से यह कई गुना होकर के मिलता है। जीजी को पता था कि लेखक उनसे रूठा हुआ है और वह उसे मनाना चाहती थी, इसलिए उसके मुंह में मठरी डाल करके अपनी आत्मीयता प्रकट करती हैं। जीजी ने उसे बताया कि करोड़ों रुपए में से दो चार रुपए दान देने से कुछ नहीं होता। सच्चा दान वह होता है जो त्याग पर आधारित हो, और त्याग का वही मतलब है ऐसी वस्तु को छोड़ना जो मनुष्य के पास खुद भी कम हो। यानी पानी खुद के पास ही कम है और लोगों को पानी भी फेंक करके पानी को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर वो तर्क दे रही हैं कि दान उसी वस्तु का किया जाना चाहिए जो खुद के पास कम हो। जीजी के अनुसार त्याग और कल्याण की भावना से किए गए दान का ही फल मिला करता है, लेकिन लेखक को यह बात उसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। यहाँ पर जीजी दान करने की समानता किसानों से करती है। किसान 30-40 मन गेहूं उगाने से पहले 5-6 शेर गेहूं बिजाई के लिए डालते हैं और यह दान बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार वर्षा से बादल जो है बादल पानी कब देंगे, जब हम उन्हें बाल्टी भर करके पानी दान करेंगे। यहाँ पर यथा राजा तथा प्रजा का प्रयोग किया गया है, जैसी राजा वैसा ही प्रजा। राजा के आचरण को देख करके प्रजा का आचरण बदलता है। जीजी यहाँ पर फिर से किसानों का उदाहरण देती है कि पहले कुछ पाओ तभी आपको कुछ मिलेगा। भारतीय संस्कृति का एक मंत्र बताती है कि कुछ पाने से पहले त्याग करो, यानी तेन त्यक्तेन भुंजितः। यह मंत्र समाज के लिए बहुत हितकर है। अपने कर्तव्य का पालन करो तभी तुम्हें अधिकार मिलेंगे। हर आदमी के आचरण से सबका आचरण प्रभावित होता है। यदि समाज का सभी व्यक्ति समाज में जो हैं भ्रष्ट हो जाएंगे तो सारे समाज में भ्रष्टाचार की आदत लग जाएगी, और इसके विपरीत यदि त्याग की भावना है तो सारा समाज त्यागी बन जाएगा। जैसी प्रजा होती है राजा भी वैसा ही आचरण करता है। भ्रष्टाचार की बात करते हुए लेखक सबसे अपेक्षा करता है कि
कि हम केवल अपनी चर्चा में आनंद ना लें, बल्कि जहाँ कहीं भी हमें भ्रष्टाचार में शामिल हो तो हम उसका विरोध करें। काले बादल खूब बरसते हैं किंतु लोगों की गगरिया प्यासी रह जाती हैं। यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है कि देश में धन संपत्ति और विकास की कमी नहीं है, लेकिन यह सभी संपत्ति नेता और अधिकारी खा जाते हैं, आम आदमी को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। सच बात तो यह है कि हमारे देश में देशभक्ति की भावना गायब होती जा रही है। लेखक मानता है कि आज लोग देश की सरकार के सामने बड़ी बड़ी मांगें रखते हैं, परंतु बदले में त्याग नहीं करना चाहते हैं, और वे भ्रष्टाचार रस लेकर के करते हैं और खुद भी उसमें लिप्त होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि वह समृद्धि समाज तक नहीं पहुँच पाती जो समाज को मिलनी चाहिए। समाज ज्यों का त्यों गरीब बना हुआ है। लेखक की बात करें तो लेखक जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देश के नागरिकों में त्याग और समर्पण का अभाव है। इस अभाव का कारण क्या है? त्याग और समर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों में स्वार्थ की भावना ज़्यादा है। स्वार्थ क्या होता है? अपने स्वयं मतलब खुद के लिए, अर्थ यानी के लिए, यानी खुद के लिए कोई भी कार्य करना या जो भी हम काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद के लिए करना, उस भावना का उदय होता जा रहा है। हम भ्रष्टाचार के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं, परंतु हम आलोचना करने के सच्चे अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि हम स्वयं भी उस भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। देश में साधनों की कमी नहीं है, परंतु भ्रष्टाचार के कारण सारा धन जो है अफसर खा जाते हैं। गांव के कुछ लोगों को तो लड़कों का ये कीचड़ में सन्ना बुरा लगता था। वे इसे गंवारूपन, पिछड़ापन, ढोंग और अंधविश्वास मानते थे, इसीलिए वे उन्हें गाली भी देते थे। इसी नफरत के कारण उन्होंने इंद्र सभा के लड़कों को मेंढक मंत्री की संज्ञा दी थी। गांव के बच्चों की टोली भगवान इंद्र से वर्षा करने के लिए गुहार लगाना चाहती थी। बच्चे चाहते थे कि अगर भगवान इंद्र वर्षा के लिए पानी मांग रहे हैं तो वे उनके दूत बनकर लोगों से जल दान कराएं, शायद इसी से इंद्र देवता उन्हें जल देंगे। गुड़धानी का यहाँ पर जो शब्द एक प्रयोग हुआ है, गुड़धानी गुड़ और अनाज के मेल से एक लड्डू जो बनता है उसे कहा जाता है। गांव के लड़के भगवान इंद्र से पानी और गुड़धानी दोनों मांगते हैं। गगरी फूटी बैल प्यासा, इसमें यहाँ इंद्र की सेना के खेल गीत जो हैं, इसमें भारत में अगर बात करें तो यहाँ पर बैल जो हैं कृषि की रीढ़ की हड्डी रहे हैं और वे खेतों को जोत करके अन्न उपजाते हैं। इसी माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि वर्षा के बिना हमारी खेती सूखती जा रही है और खेती का आधार कहे जाने वाले बैल मरते जा रहे हैं। अगर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि क्या इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है क्योंकि भारत में यह सबसे पूज्य नदी है और भारत को अन्न जल प्रदान करती है, इसीलिए इस नदी को माता के समान पूजा जाता है। इस नदी के किनारे हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस आदि पवित्र स्थल बसे हैं और हम अपनी संस्कृति का गान करते हुए सतगंगा, जमुना, सतलज, कावेरी और आदि नदियों का नाम लिए बिना नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार से पूरा पाठ जो है काले मेघा पानी दे, इसमें जीवन में तर्क और आस्था दोनों का अपना अपना स्थान है। तर्क केवल वैज्ञानिक तथ्य को सत्य मानते हैं और आस्था जो है वो भावनात्मक सच्चाई को पुष्ट करती है। दोनों चीज़ें जीवन के लिए आवश्यक हैं, यानी किसी चीज़ में आस्था होना भी जरूरी है और उसके वैज्ञानिक तथ्य को समझना भी बहुत जरूरी है। हमारे देश में वर्षा ना होने पर कृषि बहुत अत्यधिक प्रभावित होती है और किसानों की आशाएं मरने लगती हैं। यही चित्रण इस पाठ में किया गया है। वर्षा ना होने पर